देश का दिल यानी दिल्ली, आज दिल्ली की जनता को हम औरंगाबाद शहर की यूनिट के तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन दिल्ली की जनता ने जो पिछले 15 साल से उस नफरत फैलाने वाली जुमलों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया है। यह दिल्ली की जीत ऐतिहासिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। इस जीत से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, किस तरह देश का दिल दिल्ली ने जो निर्णय लिया है, आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है। अब जो 2024 का समीकरण सीधा सीधा साफ सुथरा हो चुका है, इस बार देश में एक तरफ नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जुमले वाली भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कट्टर ईमानदार अरविंद जी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, यही समीकरण पूरे देश में 2024 में होने जा रहा है। और जिस तरीके से हमने ऐतिहासिक जीत दिल्ली में दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने, उसी तरीके से जब जब भी जहां जहां भी जो भी इलेक्शन होंगे, जैसा हमारे महानगर पालिका का अब जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा, हम औरंगाबाद में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से 126 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और इस महानगर पालिका में जो जुमला झूठी जो कॉर्पोरेशन में सरकारें थी उनको जनता उखाड़ कर फेंकेगी और इस बार औरंगाबाद महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी का महापौर बनेगा। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी जनता देख लेगी। और जनता नफरत की राजनीति नहीं चाहती है, जनता इस देश की ये चाहती है कि हमें हमारे जो मसाइल है, बिजली, पानी, सड़कें, दवाखाने, स्कूल, रोजगार, किसानों को उनका जो भी अनाज निकलता है उसका मुआवजा, यह देश ने जान चुका है। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ देश में आम आदमी पार्टी ही इन लोगों को, भाजपा वालों को अपनी जमीन खोने का इतना डर है, अब वो परेशान हो चुके हैं। उन्हें अब पता लग चुका है कि देश में जनता समझ चुकी है विकास मॉडल ही चलेगा, मेक इन इंडिया चलेगा, अरविंद केजरीवाल जी चलेंगे। दबदबा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए किसका दबदबा है, 35 साल से कौन था, उसके बाद कौन आया, इस शहर की जनता सब जानती है। जिस तरीके से MIM की जो आपने बात की है, वो जिस राज्य में रहते हैं उस MIM ने उस राज्य में अपना खुद का मुख्यमंत्री भी आज तक नहीं बनाया। उस राज्य में MIM ने 7 आमदार के अलावा 8 आमदार भी चुना कर नहीं लाया। वो पार्टी जो अपना घर नहीं संभाल सकती है, तो इस देश की जनता समझ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर किस तरीके से सेकुलर वोटों को डाइवर्ट करने का काम कर रही है, लोगों को जहनों को भटकाने का काम कर रही है। ये चुनकर तो आते नहीं, लेकिन इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसे नफरत फैलाने वाली, इस देश में जुमला बोलने वाली पार्टियों को फायदा पहुंचता है। और इस औरंगाबाद की जनता ने समझ चुकी है, इस औरंगाबाद शहर में कोई नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, इस औरंगाबाद में सिर्फ और सिर्फ विकास का मॉडल चलेगा। आज आपको भी पता है हमारे महानगर पालिका का स्कूलों की क्या हालत है, आप लोगों को सबको पता है, शहर के लोगों को पता है कि आज हमारे दवाखाने किस तरीके से है, स्कूल की पोजीशन क्या है, हमारे पास पानी की समस्या है, लाइट की, सफाई की, रोड की और जितनी भी ड्रेनेज की लाइनें हैं, क्या हालत है यार, ये जनता समझ चुकी है। 35 साल से उन्होंने भुगत रहे हैं, इस बार जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी पे है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेंगे। किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन सामने जाने वाली है? पिछले लगातार 5 साल से औरंगाबाद शहर में आम आदमी पार्टी जन आंदोलन, निदर्शन, उपोषण, नागरिकों के समस्याओं के लिए कर रहे हैं। पूरे शहर में आम आदमी पार्टी अपने जनता के दिलों में जगह बना चुकी है।
उस वक्त आम आदमी पार्टी लड़ती है जहां जन समस्या होती है। हम जन समस्या के लिए लड़ने के लिए आए हैं, हम जनता के हित की बात इस शासन को भी पहुंचाते हैं, प्रशासन को भी पहुंचाते हैं, इसलिए औरंगाबाद के लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारी तरफ देखा जाए तो भाजपा के साथ शिंदेगढ़ भी है इस टाइम, और शिवसेना का गढ़ कहा जाने वाला है, हम ज्यादातर आमदार तो यही के है, फिर कैसा देखिए। अभी आपने दिल्ली का रिजल्ट देखा, जो 15 साल से मुसल्लत की नफरत फैलाने वाली जुमलों वाली सरकार, दिल्ली की जनता ने वो बता दिया उनका रास्ता, तुम काम नहीं करते तो तुम बाजू हट जाओ, जो काम करने वाली पार्टी है हम उसको साथ देते हैं, हम उसी को चुना के लाएंगे। एक मौका हमने आम आदमी को देना है कह दिया है, वैसे ही औरंगाबाद के लोग कहेंगे। और हमारा भी यही बोलना है, 35 साल से आपने सबको आजमाया, एक मरतबा आम आदमी पार्टी को आजमा लो, इंशाल्लाह इस औरंगाबाद का चेहरा हमारा बदल जाएगा। अच्छे स्कूलें बनेंगे, अच्छे दवाखाने बनेंगे, महिला क्लिनिक बनेंगे, इससे जनता का ही फायदा होने वाला है। औरंगाबाद में रनिंग आईएमएम का खासदार है बाजी, 26 नगर सेवक है, कितना कठिन मानते हैं आपको, नहीं लगता क्या बहुत कठिन होगा आपको? देखिए उन्होंने जिस तरीके से 26 नगर सेवक भी चुनकर आए हैं, औरंगाबाद का एमआईएम का खासदार भी चुनकर आया है, उन्होंने जिन लोगों जो लोगों को आश्वासन दिए थे वो आश्वासनों पे उन्होंने खरे नहीं उतरे थे। उन्होंने सेना बीजेपी के विरोध में बोल के वो तमाम समाज के वोट लिए, लेकिन उन्होंने देख लिया वो वोट लेकर उन्होंने एमएलसी में अंबादास दानवे जैसे को अपना नगर सेवक का मतदान दिया और उसको एमएलसी में पहुंचा दिया। तो लोगों ने समझ लिया है कि एमआईएम ये खाली बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी है, ये बीजेपी का ही एक क्या कहेंगे बी टीम है, वर्जन 2 है। यस यस, बस किस तरीके से जो सेकुलर ऑर्डर उसको माइनस करना, किस तरीके से झूठे बात करना, झुमले देना और अपनी सत्ता हाथ में लेना और बीजेपी का साथ देना, यही उनका काम है। लेकिन इस बार औरंगाबाद शहर की जनता आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पे भरोसा करती है, एक मौका जरूर देंगी, ऐसी उम्मीद है हमको औरंगाबाद शहर की जनता से।